जहां एक तरफ शहरों में लोग पानी की समस्या से परेशान है, तो मध्य प्रदेश में एक गांव ऐसा भी है जहां पर नजरें दौड़ाएं तो दूर दूर तक सिर्फ सूखी बंजर जमीन आपको नजर आएगी। यहाँ के लोग बूंद बूंद पानी को तरस गए हैं। चलिए दिखाते हैं आपको कैसी बदहाली के आंसू रो रहा है ये गांव। सूखी नदियां, डूबती उम्मीदें, परेशान ग्रामीण, नींद में प्रशासन, बदहाली के आंसू रो रहा है गांव। पीने के पानी के लिए तरसते ग्रामीण, कुछ ऐसी ही कहानी है मध्य प्रदेश के परासिया विकास खंड से 16 किलोमीटर दूर जंगल और ऊंची पहाड़ी पर बसे जामुन बराग गांव की। यहां लोग पीने के पानी के लिए बूंद बूंद के मोहताज हो गए हैं। साफ पीने का पानी क्या होता है इन्हें पता तक नहीं, क्योंकि ये मजबूर बेसहाय ग्रामीण आज भी गंदा पीला पानी पीने को मजबूर हैं। बहुत परेशानी है जी पानी की, दिन भर बैठ रह रहे हैं, एक लोट पानी मिले ये तो आपकी एक बूंदी ले जाए। गांव जामुन बर्रा आज भी बदहाली के आंसू रो रहा है। ऊंची पहाड़ी पर बसने की वजह से हर साल यहां पानी की विकराल समस्या से ग्रामीण परेशान रहते हैं। हर साल गांव के आसपास नदियां सूख जाती हैं, यहां तक कि हैंडपंप का जल स्तर भी नीचे चला जाता है। पानी बहुत ज्यादा, 2 किलो ऊपर से पानी नीचे से ऊपर ले जा रहे, ऊपर से फिर आ रहे, नंबर लगा के भर रहे हैं पानी। बहुत पानी की व्यवस्था खराब है, चल रही है, गंदा पानी पी रहे हैं और दिन भर बैठ रहे हैं। ऐसे में इन मजबूर ग्रामीणों की उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ एक गहरी खाई के गंदे पानी पर टिकी हैं, जहां ग्रामीण रोज 2 किलोमीटर पैदल चलकर आते हैं और इस गहरी खाई में जाकर पीला और गंदा पानी लेकर आते हैं। खाई दिख रही ना, इधर से पानी लेके आते हैं और सुबह जाना पड़ता 3 बजे 4 बजे रात को, तो वहाँ से लाइन लगती है भाई, जो जैसा आएगा वैसे वैसे पानी झिरिया से छना छना के पानी लेके आते हैं, और वो भी पानी एक लाल सा मिट्टी वाला पीलापन पानी का, साफ सुथरा पानी नहीं है, उसको लेके आते हैं। यही नहीं, गांव के छोटे छोटे बच्चे, बीमार लोग और गर्भवती महिलाएं तक पानी के लिए गहरी खाई में उतरने को मजबूर हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर आज तक शासन प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान क्यों नहीं दिया? क्या इन ग्रामीणों की सुध लेने वाला कोई नहीं? कब इन ग्रामीणों को साफ और उपयुक्त मात्रा में पानी मिल पाएगा कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।